आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पीयू किचन में। आज मैं बनाऊंगी आलू मसाला डोसा। आलू मसाला डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल ले ली हूँ और आधी कटोरी उड़द दाल ले ली हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ चना दाल ले ली हूँ। इन सबको मैं अच्छे से धुल लूँगी। मैं हमें बिना छिलके वाली उड़द दाल यूज़ करना है और एक चम्मच मेथी ले लूँगी। इन सबको अच्छे से धुल लूँगी मैं। हमें 2 से 3 पानी इसको अच्छे से धुल लेना है और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी और इन सभी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर ली हूँ। और इस पेस्ट को मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। और ये हमारा डोसा का बैटर रेडी हो गया है। इस बैटर को मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। और यहाँ पर मैं उबली हुई आलू ले ली हूँ और बारीक कटी हुई प्याज और ग्रेट किया हुआ अदरक, कड़ी पत्ती और हरी मिर्च ले ली हूँ। और यहाँ पर मैं कढ़ाई ले ली हूँ। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दूँगी। अब मैं डोसे का मसाला तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच सरसों डाल दी हूँ। सरसों चटक गया। अब मैं 1 चम्मच जीरा डाल दूँगी और 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल दूँगी। प्याज को हमें अच्छे से लाल कर लेना है। और ग्रेट किया हुआ अदरक, मैं 1 इंच अदरक डाल रही हूँ इसमें। और हरी मिर्च डाल दूँगी मैं, 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई डाल दूँगी। और कड़ी पत्ती डाल दूँगी। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। हमें हल्दी और मिर्च को अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पर मैं आलू को मैश कर लूँगी हाथों की मदद से। और आलू को हमें कढ़ाई में डाल देना है और अच्छे से पका लेना है इसे मसालों के साथ। हमें आलू को अच्छे से मैश कर लेना है और इसमें 1 चम्मच में स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। और यहाँ पर मैं पीनट डाल दे रही हूँ। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा मसाला बनके तैयार है। और ये हमारा बैटर है। बैटर में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और मैं डोसा बनाने के लिए पैन ले ली हूँ और पैन को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और गैस को हाई फ्लेम पे रखना है और 2 से 3 बार इसको पानी से अच्छे से धुल लेना है। पानी के छींटे मार मार के अच्छे से धुल लेना है। और मैं इस पे डोसा का बैटर डाल दूँगी और डोसे को हमें अच्छे से फैला देना है।
अब ऊपर से मैं रिफाइंड ऑयल लगा दूंगी। और मैं ऊपर से इसमें आलू का मसाला लगा दूंगी। हमें अच्छे से आलू मसाला लगा देना है। आप देख ही सकते हैं मेरा ये डोसा चारों तरफ से निकल गया है और ये हमारा डोसा बन गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और आप भी ऐसे आलू मसाला डोसा अपने घर पे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।